डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने रीवा में आयोजित सुभाष तिराहा नवीन फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। ये फ्लाईओवर 29,61,00,000 रुपए की लागत से बनाया गया है। इस फ्लाईओवर के बनने से सिरमौर चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। डिप्टी सीएम ने सुभाष तिराहे में लगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबे समय से बोदाबाग और विश्वविद्यालय क्षेत्र के लोग फ्लाईओवर की मांग कर रहे थे। अब फ्लाईओवर बन जाने से लोगों को आवागमन में आसानी होगी। सिरमौर चौराहा जो बहुत ही व्यस्ततम चौराहा है रीवा का, वहाँ पर ये मांग थी कि विश्वविद्यालय और बोदाबाग तरफ के लिए एक तीसरा लेग यदि बना दें फ्लाईओवर में तो काफ़ी सहूलियत होगी। नीचे सब्जी मार्केट भी है, फल मार्केट भी है और स्कूलों में आने जाने के लिए बच्चों का आवागमन है। तो जिनको सिरमौर जाना है, विश्वविद्यालय जाना है, इधर बोदाबाग तरफ जाना है, वो ऊपर से ही निकल जाए और नीचे और ऊपर के ट्रैफिक आज़ाद हो जाएगा। उस दृष्टि से आज ये जो लोकार्पण हुआ है ये यातायात को व्यवस्थित करने में बहुत मदद करेगा।